Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrish Senior Secondary School. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1D चैप्टर में से बैटरी रिमूव्ड और कनेक्टेड एंड डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड. ठीक है, मीन्स इस टॉपिक का मतलब ये है कि जब कैपेसिटर्स में हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कैपेसिटर पर, और जब हम उसको रिमूव कर देंगे तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो ये टॉपिक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डाइइलेक्ट्रिक है क्या. ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक क्या है. ठीक है, तो देखो डाइइलेक्ट्रिक कहते ये ना तो कोई कंडक्टर है ना ही ये कोई इंसुलेटर है और ना ही कोई ये सेमीकंडक्टर है. ठीक है, इन तीनों में से ये चीज़ें नहीं हैं. डाइइलेक्ट्रिक ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है ना ही सेमीकंडक्टर है. ये एक इस तरह के मटेरियल्स हैं विच डू नॉट अलो करंट बट अलो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, These are kind of materials, ये उस तरह के materials हैं which do not, जो allow नहीं करते current को pass होने के लिए, which do not allow current, current को तो pass नहीं होने देते but development कर देते हैं. किस चीज़ की? ये development कर देते हैं electric field की. Means इसकी वजह से जिस भी मटेरियल में जिस भी सब्सटेंस में से लगाया जाएगा उसमें ये क्या क्रिएट कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा. ठीक है, एग्जांपल्स हो गई जैसे ग्लास हो गया, माइका हो गई, ये एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारी. किसकी आ जाती है एग्जांपल्स? डाई इलेक्ट्रिक. सो डाई इलेक्ट्रिक इस तरह का मटेरियल है जो करंट को तो पास होने नहीं देता, लो नहीं होने देता, लेकिन उसमें जहाँ पर भी ये लगा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा. और जैसे ये सपोज करो ये हमारा कैपेसिटर है, इस साइड होते हैं हमारे एक प्लेट पर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लेट पर होते हैं नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा हम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से डिनोट कर देते हैं, माइनस सिग्मा मीन्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. और हम इसके बीच जो एयर और वैक्यूम वाली मीडियम है, खाली जगह है, वहाँ पर क्या रख देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब. और ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या करता है? इन प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है, या आप कह सकते हो प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, और इसमें एक और बात देखने वाली है, यहाँ पर एक और टर्म आती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं. ये क्या है? हमारी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म. ठीक है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की. ठीक है, सो इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाती है? ई नॉट बाय के. इसका मतलब होता है मींस हाउ मेनी टाइम्स इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसे हम ई नॉट बाय के से डिनोट करते हैं. के का मतलब ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसमें से कितने टाइम्स जो स्टार्टिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम हो रही है. तो हम बोल देते हैं जितने टाइम्स वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उस टर्म को वो नाम दे देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कंक्लूड. ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, इट कंक्लूडेड व्हेन वी इंसर्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी क्या पता चला हमें कि जब भी हम किसी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को डाल देंगे उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच, तो वो क्या करेगा? उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स की उसे रिड्यूस कर देगा, उसे कम कर देगा. क्लियर है?
तो चलिए अब हमें पता तो चल गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, मटेरियल क्या है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको डालने से क्या होता है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमारा अब जो मेन टॉपिक है तो उसको हम दो केसेस में डिवाइड कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट केस हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, जब एक कैपेसिटर के साथ जो बैटरी कनेक्टेड होती है, जब हम उसको रिमूव कर देंगे बैटरी को और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, देन क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा एक कैपेसिटर जिसके एक साइड पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड होती है नेगेटिव चार्ज। उसे हम बाहर कनेक्ट कर देते हैं एक सेल के साथ, बैटरी के साथ, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या है, वी है, ठीक है। सो जब हम अप्लाई कर देंगे बैटरी प्लेट्स के अक्रॉस, तो एक चार्ज जो होगी प्लेट, एक प्लेट पर जो चार्ज जो प्रोड्यूस होगा, हम मान लेते हैं वहाँ पर चार्ज होगा यहाँ पर प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा चार्ज माइनस क्यू नॉट। और जो इनकी कैपेसिटेंसी होगी उसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे सी नॉट के साथ, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो हम मान लेते हैं ई नॉट, ठीक है। सो कहते हैं कि जब भी हम बैटरी अप्लाई करेंगे क्रॉस द प्लेट, तो एक प्लेट पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू नॉट, एक प्लेट पर चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू नॉट, और उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना होगा इनके अक्रॉस, प्लेट्स के अक्रॉस, वो भी मान लेते हैं वी नॉट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम इस बैटरी को, ये बैटरी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब बैटरी को रिमूव करेंगे देन क्या होगा, देखो बैटरी को रिमूव किया कैसे, हमने इसको रिमूव कर दिया बैटरी को, हमारे पास सिर्फ बचा अब क्या, कैपेसिटर बचा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट नज़र आएगा, जो पोटेंशियल होगा वो चेंज हो सकता है। बैटरी रिमूव करने से क्या होगा, पोटेंशियल विल बी चेंज्ड, पोटेंशियल जो है वो चेंज्ड हो सकता है। एंड सेल गिव्स अवे, अब जो सेल है वो तो इनको चार्ज दे गया, ठीक है, सेल गिव्स अवे द चार्ज टू प्लेट्स, एंड चार्ज फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उस सेल ने जितना चार्ज देना था इनको दे दिया, उसके बाद आप चाहे सेल को रिमूव कर दो तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज जो है विल बी कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चेंज आएगा, उसके पोटेंशियल पर चेंज आएगा, ठीक है। हम कहेंगे कि जो चार्ज है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने अब क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, यही कर रहे हैं ना हम, बैटरी को रिमूव कर दिया, और अब क्या करेंगे, हम डाई इलेक्ट्रिक जो है मटेरियल उसको इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब हम क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा देंगे, ये हमने बनाया कैपेसिटर, यही वाला कैपेसिटर है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ डायग्राम ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, पूरी तरह से नहीं डाला, इंसर्ट किया है इसके अंदर क्या, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, ये है हमारा डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम ऐड कर देंगे डाई इलेक्ट्रिक, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जो इसकी पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव साइड है, देखो इसके इस साइड होंगे पॉजिटिव चार्ज और इसके इस साइड होंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमेशा क्या होते हैं, स्लैब के ऑपोजिट चार्जेस ही हेल्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कहते हैं क्या होगा कि ये जो स्लैब की पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्ज जो है प्लेट का उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जो प्लेट क्या करेगी इसे डाइलेक्ट्रिक वाली साइड को अपनी तरफ खींचेगी, और इधर जो नेगेटिव चार्ज है और इस साइड तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि ये प्लेट भी इसे क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, यानी ये दोनों साइड्स जो हैं वो खींची चली जा रही हैं बार बार दोनों साइड्स को,
तो उस खींचने की वजह से क्या होगा, इसके नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट्स की दोनों जो साइड्स है, दोनों प्लेट्स जो है डाइलेक्ट्रिक को खींच रही हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि वो नीचे की तरफ खींचा चला आ जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है? सो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, डाइलेक्ट्रिक अब जो है वो फटाफट से क्या आ जाएगा, पूरी तरह से इंसर्ट हो जाएगा, अंदर फिक्स हो जाएगा इन प्लेट्स के बीच। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम इस स्लैब को बड़े धीरे धीरे से नीचे की तरफ लेकर आना चाहते हैं, ये नहीं कि एकदम स्पीड से वो नीचे आया और इसके अंदर आके फिक्स्ड अप हो गया, ऐसा नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं कि ये स्लैब क्या करे, धीरे धीरे नीचे आए, स्लोली स्लोली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो स्लैब को ऊपर की तरफ भी खींचे, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन स्लैब विच इज ऑलमोस्ट और इक्वल टू फोर्स डाउन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो स्लैब को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी, जो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगी, उस फोर्स के जिस फोर्स से वो उसे नीचे लेकर जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, देन डाइलेक्ट्रिक जो है धीरे धीरे पूरी तरह कैपेसिटर्स में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने स्लोली स्लोली इसे इसके अंदर फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर भी अब क्या हो जाएंगे, दो केसेस जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। दो केसेस कैसे बन जाएंगे, एक बन जाएगा कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट होने से पहले क्या क्या कंडीशंस थी, और जब डाई इलेक्ट्रिक उस कैपेसिटर के अंदर फिक्स्ड हो गया देन क्या क्या कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। तो हम वो दो कंडीशंस जो हैं बनाएंगे, हम डायग्राम रब नहीं करेंगे, जहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा, एक साइड हम लिख लेंगे बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मीन्स डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट होने से पहले क्या केस था, और जब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया देन क्या केस बना। ठीक है, तो देखो कहते जब डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं डला था, जब ऐसा कैपेसिटर था, तो चार्ज क्या था हमारा, इनिशियल क्यू आई मीन्स इनिशियल चार्ज क्या था, क्यू नॉट, और इनिशियल पोटेंशियल भी क्या था, वी नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था, इनिशियल ई नॉट, ठीक है, और कैपेसिटेंस भी क्या था, सी नॉट। और जब डाइलेक्ट्रिक उसमें डाल दिया, ठीक है, जब इस तरह का बन गया डायग्राम हमारे पास, अब इसमें क्या है, कैपेसिटर के अंदर क्या आ गया, डाई, तो डाइलेक्ट्रिक आने के बाद तो जो फाइनल चार्ज था वो क्या होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सेल तो देखकर चला गया जितना चार्ज देना था, तो चार्ज क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फाइनल पोटेंशियल था वो क्या होगा, पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, तो वी नॉट जितना पोटेंशियल था उसको हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड किया, इट मींस जितना पोटेंशियल पहले था उससे के टाइम्स जो है फाइनल पोटेंशियल हमारा रिड्यूस हो गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता था, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, यानी कि ये डिक्रीज हो गया पोटेंशियल के टाइम्स। सिमिलरली अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियसली पहले ई नॉट था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका कांस्टेंट उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ,
डिक्रीज हो गया है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उससे के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस में हमारी वैल्यू आएगी के इंटू सी नॉट, मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा, डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है। सो अब हमें पता चल गया कि पहले इंसर्शन से पहले जो इनिशियल चार्ज था क्यू नॉट, पोटेंशियल वी नॉट, एनर्जी ई नॉट और कैपेसिटेंस सी नॉट, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद चार्ज जो था वो क्यू नॉट कॉन्स्टेंट ही रहा, लेकिन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से के टाइम्स डिक्रीज हो गए, रिड्यूस हो गए, पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। लेकिन जो कैपेसिटेंस था वो ही एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो के टाइम्स क्या हुई, इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो है एनर्जी, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, यू वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू बाई क्यू स्केयर बाई सी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ चार्ज कितना था क्यू स्केयर, क्यू नॉट स्केयर, और नीचे कैपेसिटेंस आ जाएगा सी नॉट, ठीक है। तो इस तरफ अब हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो रही है तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो रही है। जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीज़ें रिड्यूस होती हैं उस टाइम पर क्या होता है, एनर्जी भी रिड्यूस हो जाती है। तो सो फाइनल एनर्जी जो इस साइड होगी वो हमारी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर ओवर के टाइम्स ऑफ सी नॉट आ जाएगी, क्योंकि देखो कैपेसिटेंस के साथ क्या आ रहा है के, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की जगह हम के सी नॉट हमें पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और के नीचे डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि जो एनर्जी है आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब वो भी क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जे के टाइम्स जो एनर्जी रिड्यूस हुई है, एनर्जी रिड्यूसेस के टाइम्स, वेयर इट गो, वो कहाँ पर गई। अच्छा कुछ बच्चे फटाफट से जवाब देंगे कि वो हीट में वेस्ट हो गई, सो ऐसा नहीं है, इस कंसेप्ट में ऐसा नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, वो एनर्जी कहाँ गई, जितनी टाइम्स भी एनर्जी पहले थी उसे जो रिड्यूस हुई है, तो जो बाकी की एनर्जी रिड्यूस हुई है वो कहाँ पर गई। देखो अभी हमने क्या कहा कि हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसे चाहते हैं कि वो धीरे धीरे इस स्लैब में, सॉरी इस कैपेसिटर में जो है फिक्स्ड हो जाए, तो उसे धीरे धीरे फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे थे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करने से क्या होगा, जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इस फोर्स के, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है वो अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है ना, स्लैब में नीचे आना है, और एजेंट वर्क लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मूव तो उसने नीचे करना है लेकिन फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है कि वर्क जो ऑब्टेन्ड हो रहा है वो सिस्टम द्वारा क्या हो रहा है, ऑब्टेन्ड हो रहा है। सो एनर्जी जो भी वेस्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, वो किस में कन्वर्ट हुई जा रही है, वर्क में। सो एनर्जी जो रिड्यूस्ड हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट इनटू वर्क, ठीक है। सो अगर आपको कोई पूछे कि जो एनर्जी रिड्यूस हुई है वो कहाँ गई,
तो आपने कहना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने नीचे मूव करना है लेकिन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो वो जो एजेंट एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जो वर्क डन कर रहा है, डैट मीन्स वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो उस मूव फोर्स जो स्लैब की मूवमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, सो डैट इज़ वाई वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज़ नेगेटिव। सो जितना भी एनर्जी रिड्यूस हुई, हमारा एनर्जी जो है वो लॉस हुई है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटू वर्क में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटू वर्क, ठीक है। सो ये नहीं बोलना कि वो हीट में चली गई, नो, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है हमारी? इंटू वर्क। सो व्हाट वी विल फाइंड दैट कि जब भी हम बैटरी जो है कैपेसिटर से रिमूव करके डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को उसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे तो क्या चेंजेस आएंगी? जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा बिफोर रिमूवल ऑफ द बैटरी एंड आफ्टर रिमूवल द बैटरी, जो चार्ज है वो सेम रहेगा चाहे उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भी आप डाल दो, ठीक है, जो चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा इनिशियल और फाइनल भी। चेंजेस कहाँ पर आएंगी? उसके पोटेंशियल और एनर्जी में, ठीक है, मैं जैसे ही बैटरी रिमूव की उसके अंदर स्लैब डाली तो उसका जो पोटेंशियल है और एनर्जी है वो के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो के टाइम्स इनक्रीज करेगा, ठीक है। और लास्ट में जब हमने एनर्जी निकाली तो एनर्जी भी क्या है, फार्मूला हाफ क्यू बाय सी, सो यहाँ पर जो सी है इन केस ऑफ आफ्टर इंसर्शन, सी की वैल्यू क्या थी? के सी नॉट, यानी के सी नॉट लगाना पड़ेगा और के फिर से डिवाइड हो रहा है तो इट मींस कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो भी क्या हो जाएगी? के टाइम्स कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो एनर्जी रिड्यूस हो रही है वो कहाँ पर जा रही है? एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन कर रहा है वो उस स्लैब की मूवमेंट के अगेंस्ट कर रहा है, डायरेक्शन के अगेंस्ट कर रहा है, सो इसलिए वो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है? उस एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है, क्लियर है। सो नाउ इट्स टर्न फॉर योर होमवर्क। तो ये होमवर्क अब आप तभी कर पाओगे जब आपने अगर वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी है, देखी है, क्योंकि इस वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो में से ही सारे आंसर्स ये निकल आएंगे क्वेश्चन के। बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए कंडक्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक मटीरियल क्या होता है, इसके बारे भी मैंने आपको बताया है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पता चला है, आपको बताया गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैसे डिनोट करते हैं और इससे क्या होता है, इसका काम क्या है। थर्ड है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो क्या पोटेंशियल और चार्ज होता है उस टाइम पर कैपेसिटर का, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। चलो मैं लिख देती हूँ, कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर के साथ अटैच होती है बैटरी तो चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन है जब बैटरी को रिमूव कर देंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे देन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कितने टाइम्स रिड्यूस होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं एक कैपेसिटर के बीच। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? थैंक यू।